बेहतर ट्रैफिक बेहतर इंदौर में लगातार यातायात सुधार के लिए ट्रैफिक विभाग प्रयासरत है। इसके चलते शहर के प्रमुख व्यस्त चौराहे पर ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है, जिससे जहां जहां दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है वहां वहां ट्रैफिक विभाग सुधार कार्य कर रहा है। शहर के बिगड़ते ट्रैफिक को सुधारने के लिए पिछले कई दिनों से लगातार पुलिस प्रशासन ट्रैफिक जवानों को प्रशिक्षण व नियमों के पालन के बारे में पाठ पढ़ा रहा है। साथ ही अब चालान बनाने के लिए हेल्थ डिवाइस RLD कैमरे भी ट्रैफिक विभाग के पास उपलब्ध है, जिससे कोई भी वाहन चालक नियमों का उल्लंघन नहीं कर सके। वहीं पिछले कई दिनों से शहर के जितने भी ब्लैक स्पॉट है यहाँ पर दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। उन चौराहों पर ट्रैफिक विभाग द्वारा ड्रोन कैमरा से नजर रखी जा रही है, जिससे कि दुर्घटनाओं में कैसे कमी लाई जा सके। और आंकड़े बताते हैं कि 2016 और 2017 के मुकाबले 2018 और 2019 में दुर्घटनाओं में काफी कमी आई है। इसका मुख्य कारण ड्रोन कैमरे जो ऊपर से पूरी पिक्चर बनाकर सॉफ्टवेयर के जरिए लोड होते हैं, इससे अधिकारियों को चौराहे के बारे में चारों तरफ की जानकारी मिल पाती है और इसी का फायदा है जिससे लगातार दुर्घटनाओं में कमी देखने को मिल रही है। जानकारी देते हुए ट्रैफिक SSP महेंद्र जैन ने बताया कि ट्रैफिक सुधारने में ड्रोन कैमरे काफी लाभदायक साबित हो रहे हैं, इसकी वजह से ही दुर्घटनाओं की प्रतिशत में काफी कमी आई है। यातायात तकनीकी प्रशिक्षण चलाया तो उसमें जैसे हमारे पूरे जोन के 9 जिले थे, इंदौर में तो सब ठीक है। हमने ड्रोन कैमरे के द्वारा जब उनसे हमने लेक्चर के दौरान हमारी ये बात हुई कि ड्रोन कैमरे से हम क्या ट्रैफिक मैनेजमेंट करेंगे, तो विशेष तौर से हमें मालूम है कि धार जो है मध्य प्रदेश का एक नंबर का जिला है जहाँ पर 400 से अधिक लोग मर रहे हैं। तो मैंने धार के हमारे जो अधिकारी थे उनसे बात चर्चा की, उनके यहाँ 35 ब्लैक स्पॉट हैं। तो हमारे यहाँ जो 2017 में हमारे पास 30 ब्लैक स्पॉट थे उनको रेक्टिफाई करके 2018 में जब हमने गणना की तो कुल मिला के 9 निकले हैं। तो सर उनने पूछा कि ये कैसे कर लिया, तो हमारे यहाँ जो अधिकारियों ने हम सब लोगों ने मिलके जो 30 ब्लैक स्पॉट है, ब्लैक स्पॉट हम लोग जब सड़क से नीचे से देखते हैं दाएं बाएं से देखते हैं तो एक अलग बात रहती है, मिल जाते हैं बहुत सारे वार्ड, मगर जब एरियल व्यू से देखते हैं उनको तो हमें सारी डिजाइन पता लग जाती है कहाँ क्या फॉल्ट हो रहा है और दूर तक लेता है वो, क्योंकि जो ब्लैक स्पॉट की परिभाषा है वो 500 मीटर के दायरे में पिछले 3 साल में 10 दुर्घटनाओं में 10 मिनट तक हो, तो हम जब एरियल व्यू रहते हैं तो हमारा आधा किलोमीटर का पूरा दायरा हम लोग कवर कर लेते हैं और उससे हमें ये मदद मिलती है कि भैया हम आधा किलोमीटर पहले से कुछ करें तो ये हमारा जो एक्सीडेंट है ये बच सकता है। कुल मिलाकर ट्रैफिक विभाग का प्लान कि आने वाले सालों में दुर्घटनाओं में रोक लग सके, क्योंकि दुर्घटनाओं में सबसे ज्यादा मौत युवाओं की होती है, जो एक चिंता का विषय है।